अस डोगर जम्मू वाले अस डोगर जम्मू वाले दैट्स इट थैंक यू देख सकते हैं इनका क्लिप भी डाल Who are you, kid? Where is Samira? Samira? Oh, you are Ramon's man. किश्तवाड़ की याद आती? किश्तवाड़ आता जाता रहता हूँ मैं. I was मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ किश्तवाड़ में. उसके बाद मेरी Don't scare me. I'll tell you. नमस्कार आदाब व सत श्री अकाल. मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन. आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत सारे लोग जो है यहां से बॉलीवुड के अंदर है. बहुत सारे लोग जो है वो टॉलीवुड के अंदर भी हैं और बहुत सारे लोग जो है बड़े सारे स्टेजेस पे जाकर अपने टैलेंट का जो है सब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं अपना टैलेंट. और हमारे बीच में ऐसे ही टैलेंटेड पर्सन एक्टर जो है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए है. जुनेद सर हमारे साथ में है. जुनेद शेख जो है किश्तवाड़ से हैं और जम्मू के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे एरिया से ही आते हैं और बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे एरिया के यानी कि किश्तवाड़ में खुद डोडा से आता हूं और एक किश्तवाड़ से हैं तो यानी कि चिनाब वैली से जो है इतना दूर सफ़र किस तरीके से रहा उसके ऊपर बातचीत करेंगे. और आपको ख़ास चीज़ बता दें कि सर विलन है और अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर भी इन्होंने जो है गाना जो है शूट किया और गाने के बारे में बातचीत करेंगे. चलिए पहले बातचीत करेंगे. सर स्वागत है आपका. हाय कैसे हैं आप? बढ़िया सर. आप सुनाए कैसे? ऑल गुड. किश्तवाड़ की याद आती? किश्तवाड़ आता जाता रहता हूँ मैं. आई वॉज मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ किश्तवाड़ में. उसके बाद मेरी स्टडीज़ जम्मू में हुई हैं. कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ा है यहाँ पे. फिर उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया था. वहाँ पे स्टडीज़ की, अपना MBA कंप्लीट किया, एक्टिंग कोर्स किया. फिर बॉम्बे आया, वहाँ फिर एक्टिंग कोर्स किया बैरी जॉन्स एक्टिंग स्टूडियो से. और फिर उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. रोज़ ऑडिशंस देने जाते थे एंड यू नो वो 2-3 साल स्ट्रगल किया. उसके बाद जो फर्स्ट ब्रेक मिला मेरे को साउथ में, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. अभी तक 20-25 मूवीज़ कर चुका हूँ साउथ में एज द मेन विलन. और अभी रिसेंटली रजनीकांत सर के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अन्ना थाई. सो आई वॉज प्लेइंग देर 2-3 विलन्स इन दैट मूवी. सो आई वॉज प्लेइंग वन ऑफ द विलन्स इन दैट मूवी. तो बस अभी तो चल रहा है. लाइक आई हैव वर्क विद ऑल द बिग डायरेक्टर्स, विद बिग सुपरस्टार्स ऑफ द, विद महेश बाबू आई हैव वर्क, जूनियर NTR, विजय के साथ काम किया है एज द मेन विलन. सो अभी तक 20-25 मूवीज़ कर चुका हूँ. अभी नेक्स्ट ईयर आई एम डूइंग अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट, दैट विल बी माई डेब्यू एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस. सो आई एम प्लेइंग द विलन इन दैट मूवी एज वेल. सो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऑडिशन के लिए जो है सिफारिश भी करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ है क्योंकि आपने ऑडिशन में स्ट्रगल किया तो क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऑडिशंस के लिए कोई सिफारिश नहीं होती. अगर इफ़ यू आर टैलेंटेड आपको कोई भी ले लेगा. अगर आप में टैलेंट है ये तो बहुत मतलब कहने की बातें हैं यार. सिफारिश है, सिफारिशी बंदा, चलो उसमें कुछ टैलेंट भी तो होना चाहिए जिस उसको सिफारिश के लिए मतलब काम भी आएगी. बट इफ यू आर टैलेंटेड आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कहीं ना कहीं ले लेगा. तो पूछा भी जाता है ऐसे कि कहाँ से हो या सिर्फ टैलेंट ही देखा जाता है कि हाँ जी टैलेंट है, फिट है बंदा? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पूछेगा आपको आप जम्मू कश्मीर से हो. जम्मू कश्मीर के लोग इतना काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में है, साउथ में बहुत कम लोग हैं वहाँ पे. सो आई एम वन ऑफ देम एंड मुकेश ऋषि जी हैं जो बहुत बड़े विलन हैं वहाँ के. तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो हम हैं 4-5 जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वहाँ पे साउथ में, हैदराबाद में बेस्ड हैं. तो मतलब पहले से कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक्टर बन के विलन ही बनना है या हीरो बनने का भी? हीरो का कभी मेरा था ही नहीं, बिकॉज विलन के रोल्स जो होते हैं ना बहुत चैलेंजिंग रोल्स होते हैं. इट्स एंटी हीरो रोल्स. और आजकल विलन्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है एंड विलन्स को ज़्यादा मतलब हीरो से ज़्यादा अपने आप को हाँ होने वाला होता है. तो आई थिंक विलन्स आर विलन्स के लिए बहुत ज़्यादा अब अच्छा और भी होने वाला है. लाइक इफ़ यू आर टैलेंटेड यू कैन गेट रोल्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अभी जम्मू के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, कहते होंगे कि आप जम्मू से लोकल हैं, यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? तो आज जो है सॉन्ग आपने जो यहाँ पर शूट किया है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के यूथ को और वो जो बात बोलते थे उनके लिए? सर मैं ये सॉन्ग सुनने के बाद मेरे को मतलब आई एम डैम श्योर दिस सॉन्ग इज़ गोना बी अ वेरी बिग हिट. बहुत हिट होने वाला ये सॉन्ग. जो यूथ में ये जो सॉन्ग ना एक एंथम बनने वाला है जब ये मूवी सॉन्ग रिलीज होगा. इट्स गोना बी अ वेरी बिग हिट. तो मेरे को क्या लगता है इसमें क्या चेंज है, क्या अलग है कि जिससे जो है ये चेंज लाएगा? अभी क्योंकि अभी तक जो भी गाने गाए गए हैं डोगरी में उनकी जो है संगीत, उनका म्यूजिक जो है, इसमें क्या है अलग? क्या
इसमें अलग ये है कि ये एक मतलब डोगरास को रिप्रेजेंट करता है ये सॉन्ग। डोगरास में सब आ जाते हैं, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, हूएवर इज स्टेइंग इन जम्मू दे आर डोगरास। तो डोगरा मींस एवरीबॉडी, एवरी रिलीजन कम्स इन डोगरास। ये सॉन्ग इतना डिफरेंट है बिकॉज ऐसा कुछ, ये सॉन्ग सुनते ही थोड़ा सा ना एक जोश सा आ जाता है। तो वो आई थिंक अभी तक ऐसा डोगरी में ये वाला ऐसा कोई सॉन्ग रिलीज हुआ नहीं है। दिस टाइम इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम। और ये सॉन्ग आई एम वेरी एक्साइटेड, ये सॉन्ग रिलीज होने वाला है तो आफ्टर 2-3 डेज आप खुद देखेंगे कि ये जम्मू का बहुत बड़ा सॉन्ग बनने वाला है। इट्स गोना बी वायरल। मैंने टीजर देखा और मैं टीजर ही में जब देख रहा था, एक्सप्रेशन जब देखा तो मेरे को गैस कर दिया था मैंने कि ये तो कोई पक्का विलेन है। तो ऐसा मतलब देख के ही, आउटफिट देख के ही लग जाता है कि सर थोड़ा सा इसमें ना इनको एंग्री वो चाहिए था, लाइक थोड़ा जो जोश। हाँ, सॉन्ग भी वैसा है। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, सो आई एम वन ऑफ द को प्रोड्यूसर्स आल्सो ऑफ दिस सॉन्ग। एंड सो बाकी अब सबका प्यार चाहिए, दैट्स इट। तो क्या क्या कहोगे, कोई एक दो डायलॉग जो हमारे जनता जो है, क्योंकि उन्होंने आपको पक्का देखा होगा मूवीज़ में, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये बंदा कभी जम्मू से भी है या किश्तवाड़ एरिया से है, मतलब उनको तो, ताकि आप अपना डायलॉग भी बोल दो ताकि वो क्लिप भी हम चला लें और उनको मेमोराइज होगी, नहीं यार ये तो जम्मू से आर्टिस्ट। मैं डायलॉग क्या यही बोलना चाहता हूँ जम्मू के यूथ से कि यार कम फॉरवर्ड। आप जम्मू के, जम्मू और कश्मीर में इतना टैलेंट है, भरा भरा, कूट कूट के भरा पड़ा है, तो लोगों को सामने आना पड़ेगा। अब लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए और भी लोग काफ़ी सामने आने चाहिए। इस एल्बम के बाद हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, दे आर सेइंग के हमारे लिए म्यूज़िक वीडियो एल्बम बनाएं आप, हमारे लिए ये कीजिए। हम वी आर प्लानिंग फॉर एक प्रोडक्शन हाउस हम सेटअप कर रहे हैं जम्मू में, जिसमें वी आर प्लानिंग फॉर मूवीज़ ऑल्सो, डोगरी मूवीज़ ऑल्सो, डोगरी सॉन्ग्स ऑल्सो, जिससे हम सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो टैलेंटेड लोग हैं उनको काम दे सकें। क्यों, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर पीछे क्यों रहा, क्योंकि हर जगह पर जैसे देखा जाए साउथ में मूवीज़ बनी, चाहे गुजरात की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, सभी जो है प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, सभी जो है काम कर रहे हैं। अभी जो है, अभी कुछ टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि अभी जम्मू के अंदर भी जॉलीवुड जो है बोल रहे हैं कि जॉलीवुड यहाँ पर बनाएंगे, या अभी जो है प्रोडक्शन हाउसेज भी दिख रहे हैं कि गाने भी दिख रहे हैं, मूवी बनाने की बात की जा रही है, तो इतना समय क्यों लगा? सर एक्सपोजर बहुत कम था यहाँ पे लोगों में, और अभी भी आप देखेंगे यहाँ के लोग जितने हैं उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है ना, मतलब पुराने सोच ख्यालात के लोग, पर अब लोगों में बहुत फ़र्क आ रहा है, लाइक वो बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, उनकी सोच भी मॉडर्न हो रही है, तो लोग खुल के आ रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं सेटअप होने के लिए। जम्मू की इंडस्ट्री अब हमें इंशाल्लाह राइज करनी है, उठानी है जम्मू एंड कश्मीर। आप जितनी भी बातें घुमाएंगे, लेकिन मैं, मेरे को अपनी बात याद है कि डायलॉग में सुन के जाऊँगा। डायलॉग अब मैं क्या बोलूँ, मैं साउथ के ही डायलॉग्स मेरे को मतलब जो थोड़े बहुत याद हैं जो अभी भी हैं, अब आई डोंट रिमेम्बर मच डायलॉग्स। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि नहीं मैं कैरेक्टर में नहीं आऊँगा यार, बट मैं दिखने में मतलब एज अ विलन ऑन द स्क्रीन हूँ, बट ऑफ द स्क्रीन आई एम अ वेरी शाई काइंड ऑफ, बहुत शर्मीला किस्म का इंसान हूँ मैं, लेकिन जब मूवीज जब कैमरा के सामने होता हूँ तो टोटली आई एम अ डिफरेंट गाय। तो अभी आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द डायलॉग्स, बट यही बोलना चाहूँगा यार कि आप लोगों का डोगरी में बना लो, अपना ही बना लो। हाँ, मैं इसी सॉन्ग का बोलता हूँ, अस डोगरे जम्मू वाले या अस डोगरे जम्मू वाले या, लेकिन उसी एक्शन में, विलन वाले एक्शन में बताओ, क्योंकि अस डोगरे जम्मू वाले या, अस डोगरे जम्मू वाले या, थैंक यू। देख सकते हैं, इनका क्लिप भी डाल देंगे हम साथ में जो मूवीज़ में इन्होंने काम किया है, ताकि आप जो है मेमोराइज कर पाएँ कि हमारे जम्मू के आर्टिस्ट जो हैं इतने दूर जा रहे हैं और हम जम्मू वालों को जो है उनके बारे में जो है इतना कम जो है जानते हैं, जानते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया है, मीडिया है, जो ऐसे आर्टिस्ट को भी जो है पहचान जम्मू के अपने जो है जो उनकी बर्थ प्लेस है वहाँ पर भी जो है पहचान उनको मिले, और जल्दी जो है आपको किसी डोगरी मूवी में भी दिखेंगे और आप भी जो है सीटियाँ बजा रहे होंगे विलन में देख के, और लाखों जो है इनके जम्मू के अंदर भी फैंस होंगे, कुछ ही आने वाले टाइम में जो है ये भी जो है देखने को मिलेगा। दीजिए फिलहाल सुलिंदर परिहार को इजाज़त, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल वन के लिए। Who are you, kid? Where is Samira? Samira? Oh, you are Ramon's man. Don't scare me. I'll tell you.
Mind your business. Yeah, I'm doing my business. अबे कर्नल, तेरे दोनों आदमी मेरे पास है, समझा? अब वो मेरे लिए काम करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। चल फोन रख। जो सॉफ्टवेयर तूने इन्वेंट किया है वो हमें दे, तेरे को जितना पैसा चाहिए हम देंगे। राम मोहन इज एन इडियट, ही थिंक्स ही विल गेट हिज वाइफ बैक बाय सेंडिंग अ किड लाइक यू, सो यू वांट टू कॉल योर मॉम बिफोर आई ब्लास्ट। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-644-869.